बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा नया टॉपिक क्या है, उसके लिए मेरे हाथ में है ये चाय का कप। चाय, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये चाय हमारी किन किन चीज़ों से बनती है, मिलकर बनती है, किन किन अज्ज़ा से बनती है। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, अज्ज़ा। तो इस चाय में पानी डलता है, आपका जवाब होगा चाय की पत्ती, और ये दूध, और साथ में चीनी। यानी इन चार अज्जा से मिलकर चाय बनती है, चार अज्जा से मिलकर। अब आप सोच रहे होंगे मिस आज क्या चाय बनाना सिखा रही हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल, हम आपको मैथ ही के टॉपिक की तरफ लेके जा रहे हैं। चार अज्जा से मिलकर हमारी चाय बन रही है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये नंबर। तो अब मुझे ये बताएं कि चार कैसे बनता है। दो को अगर हम दो से ज़रब देते हैं तो चार बनता है, टू इंटू टू फोर, यानी फोर बनता है टू इंटू टू से। और चाय बनती है हमारी चार अज्जा से। ये पता है अज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर्स। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन का टॉपिक हमारा क्लास फोर से लेकर मैट्रिक और उसके बाद भी क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन उससे पहले मैं एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट की अक्सर रहती है वो है मल्टीपल्स और फैक्टराइजेशन में वो फ़र्क बहुत कम कर सक रहे होते हैं। तो पहले मैं आपको मल्टीपल्स और फैक्टराइजेशन में फ़र्क समझा दूँ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे सपोज करें मैं यहाँ ले रही हूँ 6 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखना चाह रही हूँ। सिक्स के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? मतलब 6 नंबर जो है हमारा वो किन किन टेबल्स में आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। 1 के टेबल में 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 6 मिलेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है। मतलब हुआ कि 1, 2, 3 और 6 ये 6 के मल्टीपल्स हैं। 1, 2, 3 और 6 ये कहलाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, जिसको उर्दू में हम कह रहे होते हैं इज़ाफ या आद। 6 के 6 के आद कह लें या 6 के इज़ाफ कह लें। ठीक है, ये तो हो गए मल्टीपल। हमें कहा जाए कि 6 के फैक्टर्स बताएं, तो कैसे बताएंगे? ये जो 6 बना रहा है, क्या बना रहा है? 1 इंटू 6, ये कहलाएगा 6 का फैक्टर। इसी तरीके से हम इसकी बात करें 3 इंटू 2, 6 बना रहा है। तो ये जो चीज़ है 3 और 2, ये दो अज्जा, ये दो फैक्टर फैक्टराइजेशन में आएंगे। और मल्टीपल के लिए जिन में 6 हमें मिलेगा, तो अब यकीनन आपको इन दोनों का फ़र्क समझ आ गया होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स और फैक्टराइजेशन में, फैक्टर्स में फ़र्क के बाद हम देख रहे हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन को या प्राइम फैक्टर्स को। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम उर्दू में मुफरिद अज्जाए ज़रबी कहते हैं, और ये दो तरीक़ों से कंप्यूट की जाती है। दो मेथड हैं इसके, एक है ट्री मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो हम अब आते हैं ट्री मेथड की तरफ, कि ट्री मेथड में
हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कंप्यूट करते हैं। आपको इस ट्री में नंबर नज़र आ रहा है 18। 18 बनता कैसे है, कौन से टेबल में, और इसमें हम सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको लेंगे। और छोटा नंबर जैसे हम 2 को देखते हैं, 2 के टेबल में 18 कैसे आता है, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 × 9 18 बनाता है। ये तो हो गया इसका एक फैक्टर। अब क्या 9 भी ओपन हो सकता है, इसके भी क्या अलग से 2 फैक्टर बन सकते हैं? तो 2 में तो ये नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल ये नहीं है। हम चेक करते हैं 3 से। जी 3 में हमें मिलेगा 3 × 3 3 3 9 के लें, या 3 × 3 के लें तो 3। इस तरह हमें ये पता चला कि 18 हमारा इन 2 फैक्टर से बना। फिर 9 के लिए हमने चेक किया तो हमें 2 नंबर और मिल गए। अब हम कह सकते हैं कि 18 के लिए अगर हमें नंबर लेना चाहूँ तो कौन से लूँगी, कौन से फैक्टर आ गए, 2 × 3 × 3 क्या बना रहे हैं, 18 बना रहे हैं। ये हो गए 18 के फैक्टर्स। अब हम आते हैं डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन मेथड के लिए मैं इसी नंबर को उठाऊंगी जो के है 18। ये ले लिया हमने 18, और आपको पता है कि ट्री मेथड में फर्स्ट हमारा जो फैक्टर था वो था 2 × 9। तो सबसे छोटे नंबर में हमारे पास 18 कहाँ है, 2 × 9। हम यहाँ रखेंगे कि 2 के टेबल में 18 कैसे आता है, 9 से आता है, ठीक है। उसके बाद अब हम 9 को देखेंगे कि ये 2 में है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम जाएंगे 3 के टेबल की तरफ। 3 के टेबल में ये 9 कैसे आता है, 3 3 ज़ा 9, यानी जिस टेबल में जिस तरह आता है वो यहाँ नंबर लिखा जाएगा। अब ये 3 जाहिर सी बात है प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। इस तरह हमें जो फैक्टर मिले वो ये मिले 18 के लिए, यानी 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 18। और हमारे ट्री मेथड से भी हमने चेक किया, और इसके बाद हमने डिवीजन मेथड से भी चेक किया, 18 के लिए यही फैक्टर बन रहे हैं, 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 18। तो हमने 18 को चेक किया था दोनों मेथड से। अब वो एक नंबर था, यहाँ मेरे पास 2 डिजिट हों, 2 नंबर हों, 24 और 36। अगर ये दोनों नंबर का कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करें तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसे ट्री मेथड से करना चाहें तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप इसे ट्री मेथड से पहले 24 इसके बाद 36 ट्री के साथ इस तरह लगा कर ट्री मेथड से चेक करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं आपको यहाँ असाइनमेंट दे रही हूँ। और दूसरा मेथड हमारा है डिवीजन मेथड। तो 24 और 36 का मैं डिवीजन मेथड यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि कैसे हम इसको अलग अलग लेंगे। सबसे पहले हम 24 का डिवीजन मेथड से चेक करते हैं। अब हमारे पास ये 2 नंबर है, और देखते साथ ही अगर हम कहें छोटे से छोटे नंबर किससे जाएगा, तो 2 की डिविजिबिलिटी जहन में रखें जिनके आखिर में 4 0 8 2, तो वो नंबर बआसानी 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ 24 है मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कैसे, हम यूँ कर लेते हैं, इसको देखते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब हम 4 को देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, यानी 12 से 24 कैंसिल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब हम करेंगे दोबारा इसको कि 2 के टेबल में 12 कैसे आता है, 2 6 ज़ा 12,
अब सिक्स आ गया नंबर, सिक्स भी हमारे पास टू के टेबल में मौजूद है। कैसे? टू थ्री जा सिक्स, लेकिन थ्री टू के टेबल से नहीं जाएगा, तो यहां हम क्या करेंगे, थ्री थ्री लगाएंगे, थ्री वन जा थ्री। इस तरह 24 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 × 2 × 2 × 3 बना रहे हैं। अब हम चलते हैं 36 के डिवीजन मेथड की तरफ, कि उसमें हम कैसे फैक्टर्स बनाएंगे। 36 टू से ही, क्योंकि सिक्स उसकी पहचान है कि ये नंबर भी टू से डिविजिबल है। कैसे? सिंगल नंबर हो गया, इसको हम लगाते हैं, ज़रा थ्री तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, टू वन ज़ा टू, इसमें से टू कट चुका और क्या रह गया, वन रह गया। क्यों? क्योंकि ज़रा सी बात है, थ्री में से टू को लेस कर दिया, वन जो है नंबर उठाकर हम इसको दे देते हैं। कितने बन गए? 16। तो बनेगा नंबर 16 टू में कैसे, 2 × 8 = 16। उस नंबर को हटा दें क्योंकि इजाफी नंबर हो रहा है बढ़ना। अब हम आ रहे हैं 18 को देखने, वो तो हमें पता है कैसे, 2 × 9 = 18। फिर हमें ये भी पता है, थ्री में हम देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं कि थ्री के टेबल से 3 × 3 = 9 हो जाता है, और थ्री खुद के टेबल में आता है, और इस तरह ये कंप्लीट हो गया। यानी डिवीजन मेथड में लास्ट में वन बचना चाहिए, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है नंबर। इसके फैक्टर्स लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब इसमें से हमने लेने हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन पहले ले लेते हैं, क्या का कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, एक और 2 उसका पेयर भी बन रहा है, दोनों में मौजूद है। अब 2 जो है वो नहीं है हमारे पास, कहाँ, 36 के फैक्टर्स में। हम 3 को देख रहे हैं, दोनों के पास है, ये तो हमने ले लिए कॉमन फैक्टर्स, क्या रह गए, अनकॉमन फैक्टर रह गए। कौन कौन से नंबर बचे, 2 और 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स का। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 72। इस तरह 24 एंड 36 इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर क्या बना, 72।